डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। उल्लासनगर में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर निकली रैली, तमाम हिंदू संगठनों के साथ भाजपा पदाधिकारियों का रैली में समावेश। शिंदे गुट के पदाधिकारियों ने बनाई दूरी। कैलाश कॉलोनी समता नगर से तहसीलदार कार्यालय तक विभिन्न हिंदू संगठनों के माध्यम से धर्मांतरण के खिलाफ एक बड़ी रैली का आयोजन शनिवार को किया गया है, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। संगठनों के साथ ही भाजपा ने भी इस रैली को समर्थन देते हुए इस रैली में सहभाग किया है। देश में धर्मांतरण व लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर उल्लासनगर के व्यापारियों समवेत अन्य लोगों में नाराजगी है, जिसे देखते हुए और हिंदू समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया है। नितेश राणे भी इस रैली में शामिल होकर हिंदू संगठन को मार्गदर्शन करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने के बाद इस रैली का समापन होगा। कुछ दिनों पहले ही दृष्टि चौधरी नामक लड़की की मां ने विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में धर्मांतरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी बेटी का ब्रेन वॉश करके 10 लोगों द्वारा उनकी बेटी को मुस्लिम धर्म स्वीकारा गया है, जिसके खिलाफ वह कई वर्षों से लड़ाई लड़ रही थी, जिसके बाद FIR दर्ज हुआ था। नितेश राणे ने उल्लासनगर पहुंचकर दीप्ति चौधरी के मां बाप से मुलाकात की है और पुलिस वालों की इस विषय पर जमकर क्लास ली। अच्छा है ना, जोपर्यंत यांच्या घरात अशी काही लव जिहादची घटना होत नाही ना, त्यांना झळ पोहोचणार नाही। जे पण हे बोलणारे या जिहादांना समर्थन करणारे जे लोक आहेत ना, नेते आहेत ना, त्यांना सांगेन येऊन ह्या आईला भेटा, ह्या वडिलांना भेटा, तिच्या आईचे आश्रू बघा आणि मग सांगा आम्ही जे करतोय ते चुकीचं करतोय का, मग सांगा आम्ही जे पोलिसांवर जे बोलतोय ते चुकीचं बोलतोय का। हा हे वडील जेव्हा तिच्या वाढदिवसाला तिला केक घेऊन गेले, पोलिसांनी ह्यांना धमकवून परत घरी पाठवलं की तू जायचं नाही, त्या अधिकाऱ्याचं नाव आणि सगळी माहिती माझ्याकडे आहे, म्हणून आमच्यावर टीका करा। आम्ही काय कुठला पक्षाचा झेंडा घेऊन आलेलो नाही, मी काय कुठला पक्षाचा आमदार म्हणून आलेलो नाही, एक हिंदू म्हणून अगर आम्ही जिवंतच राहिलो नाही, आमची संख्या कमी करायला अगर प्रयत्न होत असेल ना, तर ह्या बोलणाऱ्या लोकांनी लक्षात ठेवावं। उद्या तुमच्या घरात पण जेव्हा ही घटना घडेल तेव्हा कोण येणार नाही आजूबाजूला। सर, रामगिरी महाराजांनी जे वादग्रस्त केलं आहे त्यानंतर गुन्हे दाखल झाले, मात्र आता ह्यावर विरोधी पक्ष असे बोलतात की सरकार हे दंगली घडवत आहे। मला आश्चर्य वाटतं की रामगिरी महाराजांनी सत्य बोलणं हे चुकीचं आहे का? मग आमच्या देवी देवतांचे स्टेटस ठेवले जातात, त्यांच्या देवी देवतांच्या मूर्तींची विठंबना केली जाते, आमच्या महापुरुषांवर दगड मारले जातात, पुतळ्यांवर दगड मारली जातात, आमच्या महाआरत्यांवर घाणेरडे काही ना काहीतरी डायलॉग मारले जातात, रील बनवले जातात, तेव्हा ह्या सगळे वादग्रस्त विचार होत नाही। जे महाराजांनी सांगितलं त्यांच्या ते जे त्यांच्याकडे ज्ञान आहे ते अभ्यासू आहेत, त्याप्रमाणे त्यांनी समोरच्या हिंदू समाजाला प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्याच्यामध्ये वादग्रस्त काय चुकीचं काय? म्हणजे हे जेव्हा हिंदू धर्मावर काही करावं, आमच्या देवी देवतांची कितीही विटंबना करावी, आमच्या देवी देवतांवर काही नावं ठेवायचं, तेव्हा आम्ही काय बोलायचं नाही। आणि थोडं आमच्या एका धर्मगुरूंनी अगर काही सत्य सांगितलं तर ह्यांच्या हिरव्या मिरच्या लागतात ना। म्हणून जे महाराजांनी बोललेलं आहे त्यांच्या ज्ञानानुसार बोललेलं आहे, पूरा हिंदू समाज त्यांच्या मागे खंबीर पद्धतीने उभा आहे। नितेशजी, तुम्ही आता तहसील कार्यालयामध्ये अधिकाऱ्यांना भेटलात, मात्र त्या ठिकाणी पोलिसांना बोलवण्याची एक विनंती केली होती, मात्र शेवटपर्यंत पोलीस समोर आले नाही येऊन देणं मला हरकत नाही, कारण का पुढची मीटिंग जिथे येईल ना तिथे निश्चित पद्धतीने त्यांना उभं राहायला लागेल। शेवटी कुठला तोंडाने माझ्या समोर बसणार? माझ्याकडे पुरावे आहेत, माझ्याकडे माहिती आहे कुठल्या पद्धतीने या खात्यात पोलीस खात्यातले काही अधिकारी हा आमच्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं नाव खराब करतायत, स्वतःची ड्युटी करत नाही आहेत, नियम कायदे पाळत नाही आहेत। म्हणून आता जे काही तुम्ही ही काही परिस्थिती आहे ना, तशीची तशी परिस्थिती आता देवेंद्र फडणवीस साहेबांकडे सांगितली जाईल आणि मग त्या बैठकीला हाजीर व्हायलाच लागेल, तेव्हा आपण जा विचारू। पण भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्यांनी त्या पीडित परिवाराला भेट दिली नाही, आज रॅलीमध्ये सामील झाले। मी एक हिंदू म्हणून इथे आलेलो आहे, मी माझं हिंदू म्हणून कर्तव्य पूर्ण केलेलं आहे, बाकीच्यांबद्दल बोलण्याचा अधिकार मला नाही। सर, विधानसभेच्या जागा वाटप संदर्भात काही चर्चा झाली का? किती जागांचा? जय श्रीराम। सर, आपण जर
और हिंदू बच्चियों के लिए जो मुद्दा रखा बहुत अच्छा मुद्दा रखा और कहीं ना कहीं मेरा बच्चे को बचाने का आश्वासन भी मुझे दिया और पुलिस प्रशासन को भी ध्यान देने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बोले। जो आगे के जो क्या बोलते हैं इंचार्ज सर थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया बोल के आज मेरा 2-1.5 साल का सफ़र इसमें गया। कहीं ना कहीं वो इंचार्ज सर यदि ध्यान देते ये चीज़ पर आज तक मैं इतना टाइम नहीं लगता मेरा बच्ची हाथ से नहीं जाती क्यों इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता उसके साथ में। जो मुद्दा हुआ है बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये मेरे बच्चे के साथ हुआ है करके। तो जब आपसे उनसे बात हुई आपने उनको सब बताया तो उसमें उनका रिएक्ट क्या था किस तरह से आपको उसने मदद करने का आश्वासन? उन्होंने ये बताया कि आप टेंशन नहीं करने कि जब तक आपको संगठन और जो हम लोग और फंडवीन सर जो आपके केस पे ध्यान दे रहे तो कैसे भी करके हम लड़की को तो बचाएंगे और हमारे माहौल जो ख़राब हो गया है उधर रहते घर में दरगाह है वो दरगाह को हटाया जाए और उधर जो हिंदू बच्चे लोग को जो गुमराह करे जा रहे हैं ब्रेंड वॉश किए जा रहे हैं धर्मांतर किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं धर्मांतर पर रोक लगाया जाए ये आश्वासन दिया। लड़की किस तरह का वीडियो देखती थी? जाकिर नाइक की वीडियो देखती थी वो और वो नमाज की टेक्निक पढ़ती थी और एक मुद्दा होता कि शबाना शेख के बेटे ने उसको अमेजोन में लेके गए थे काम के लिए वो लोग ने उसको दिमाग दिए कि तू लैपटॉप वगैरह खरीद और एक कुछ कहीं ना कहीं हमारे परिस्थिति देख के उन्होंने उसको पैसे के आमिष दे के कुछ भी ये करके उसको अपने फेवर में ले लिए। इसमें आपने अपनी लड़की के ऊपर मामला दर्ज किया इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मामला इसलिए दर्ज किया सर कि लड़की ने तो गलतियाँ की है बहुत सारी गलतियाँ की है उनके साथ में रह के उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये माँ अनपढ़ है पिताजी अनपढ़ है एक भाई है तो भाई के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे थे तो सामने खुल के नहीं आ पाएंगे ये लोग करेंगे तो क्या करेंगे ये सोच के लड़की को एक टारगेट बना के रखा और लड़की के माध्यम से हमको मारपीट करना है हमारे घर में पानी फेंकना है हमारा मन वो आपिता से एक और एक लीड़ी थी कौन थी वो पता नहीं वो लोग ने मेरा मंदिर जलाया मेरी घट स्थापना फेंकी मेरे गणपति की मूर्ति के ऊपर थूक के मेरा मुँह पे थूक के मेरे को फेंक के मारा वो तो ये सब घटना हम लोग के साथ घट रही थी और कहीं ना कहीं उनके ऊपर केस करे तो वो छूट जाएंगे मेरी बेटी उनके पुलिस के फेवर रहेगी तो पुलिस मेरे बच्चे के संरक्षण करेंगे और कहीं ना कहीं अभी जो स्थाई पुलिस है बहुत मदद की उन्होंने मेरे को 22 तारीख के बाद से बहुत मदद की उन्होंने। आपकी मांग क्या है? अभी मेरी मांग तो ये है कि मेरे बच्चे तो सुरक्षित मुझे वापस चाहिए जैसे मेरे हिंदू है हिंदू ही बन के रहेगी यही मांग है कि मेरे बच्चों को सुरक्षित जगह रखे उनके फेवर में ना रहने दे नेता और ब्रेंड वॉश करके कहीं ना कहीं घटना को अंजाम देंगे तो पुलिस प्रशासन को यही मदद मांगती हूँ कि मेरे बच्चों को सुरक्षित जगह रख दे और मेरे को मिलने दे। आपके लड़की का कॉल या मैसेज अगर आप करते हो तो हम बात करते थे सर किंतु उसका फ़ोन कोई और ही हैंडल करता था। इस मामले के बाद आपकी अपनी बेटी से बात हुई? हुई सर। किस तरह का व्यवहार था आपके बेटी? तो उस दिन हम लोग जेल में गए थे मिलने के लिए उसको तो उन्होंने ये बोला कि मैं बर्बाद हो चुकी हूँ मैं अभी बचूंगी नहीं मैं मर जाऊँगी तुम लोग को इलाका छोड़ के चले जाओ तुम्हारा जान को धोखा है बहुत रो रही थी 8 दिन से बच्चे वही कपड़े पे थे सर।